विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग लगातार अपने प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर जॉर्ज एवरेस्ट में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भाग लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट नितेश उनियाल की मसूरी से UK 24x7 के लिए। विश्व पर्यटन दिवस में पहले सभी पर्यटकों को शुभकामनाएं हमारे ओर से देना चाहेंगे। यहाँ उत्तराखंड में जो है विभिन्न पर्यटक स्थल है, जिसमें पर्यटकों का जो सुविधा बढ़ाने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स जो है UTDB के माध्यम से किया जा रहा है। उसमें जो है अभी एक्सटेंशन जो है यहाँ जो जॉर्ज एवरेस्ट जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जिसमें म्यूजियम भी जो है बन के तैयार हो रहा है, उस पर जो है एयरो स्पोर्ट्स, हिमालय दर्शन वगैरह जो है चालू करने के लिए एक इनिशिएटिव माननीय पर्यटन मंत्री जी के निर्देशन पर जो है आज शुरू हो रहा है। तो उसमें जो है पर्यटकों को एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें जो है हिमालय दर्शन का भी जो है वो पूरा यहाँ जो स्नोबाउंड पीक्स को जो है हेलीकॉप्टर में बैठ करके जो है देखने का एक अवसर मिलेगा। दूसरा जो है एयरो स्पोर्ट्स है, जिसमें ACO एडवेंचर टूरिज्म जो है इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार का इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कुछ जो एयरो मॉडलिंग है वो स्कूलों में जो है बच्चों को भी जो है सिखाया जाएगा, और उसके बाद जो है वो एयरो मॉडलिंग आगे बढ़ करके चाहे ड्रोन ऑपरेट करने से लेकर के विभिन्न जो है प्रकार का एप्लीकेशन में वो प्रयोग होगा। हमारा बच्चों का जो है एक क्रिएटिविटी भी बढ़ाने के साथ साथ वो भविष्य में जो है रोज़गार और अन्य जो मुद्दों पर भी जो है ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। जो एयरो स्पोर्ट्स है वो भी जो है हमारे लिए एक रोज़गार जनरेट करने का साधन हो सकता है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग जो है BSF के ओर से जो है दिलाने का कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो ट्रेन्ड जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो है वीरचंद्र गढ़वाली के स्कीम के माध्यम से उनको जो है जो सब्सिडीज़ और ये जो लोन दिलाने का जो कार्रवाई है वो भी करेंगे, ताकि जो है ट्रेनिंग के साथ साथ उनका रोज़गार भी सुनिश्चित हो जाए। देखिए सफल है? हाँ, ज़रूर सफल होगा। अभी जो है हम लोग पायलट बेसिस में शुरू करके देख रहे हैं, तो भविष्य में जो है इसको कॉन्क्रीटली बताएंगे। ज़रूर जो है उसी का प्रयास अभी कर रहे हैं, तो ज़रूर सफल होना चाहिए। सर वाइल्ड लाइफ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, तो इसमें जो है उनका सहयोग के साथ ही जो है जो भी नियम है उसको पालन करते हुए ही जो है हमारा कार्यक्रम करेंगे, जो है नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। और जो है जो क्योंकि हमें पर्यावरण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारा पर्यटन भी जो है पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ही जो है विकास होगा, तो इसलिए हम उसको जो है बहुत ध्यान रख रहे हैं। आज का कार्यक्रम के बारे में भी हमने DFO से बात करके आगे बढ़े हैं, और भविष्य में भी जो भी कार्यक्रम होगा उनके नॉर्म्स को पालन करते हुए करेंगे। बिल्कुल, सभी एक एक पहलुओं पे जो है अभी ध्यान से जो है ध्यान देंगे। उसमें क्या है कि आपका अप्रोच रोड से लेकर के यहाँ पे जो संचालन है उसको भी जो है विभिन्न प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अभी जिला स्तर पर जो है DTDC करके जो गठन हुआ है वो भविष्य में इसको जो है संचालन करने के लिए टेंडर आदि प्रक्रिया करा करके वो करेंगे। तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार का सुझावों जो है हमें जिला प्रशासन से भी मिल रहा है, और यहाँ होटल एसोसिएशन है मसूरी में उनके ओर से मिल रहा है, और आम आदमियों कई लोग जो है इस प्रकार का सुझाव दे रहे हैं। ज़रूर ये पूरा संज्ञान में रखते हुए आगे एक अच्छा जो है रणनीति बन करके कार्यक्रम चलेगा।